absolutely amazing. Winning and losing is a part of game, but जो चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी हैं, importantly वो ये थी कि एक गलत concept है दुनिया का कि आप या तो हारते हो या जीतते हो. After तमाशा I feel या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो. तो मैं जीता नहीं लेकिन मैं सीखा बहुत हूँ. So I've learned a lot and I'll make sure that I'll implement everything in my life. सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें अपने आप से मिलने का मौका मिला. हम बाहर ज़िंदगी में ये नहीं करते, हम फ़ोन्स और दूसरी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं. तो यहाँ मिलने का मौका मिला बड़े अरसे बाद, अपने आप को मैंने छाना और बड़ी मज़ेदार चीज़ें मिली. सबसे बुरी बात यही मैं कहूँगा कि आप यू कैन नॉट कनेक्ट विद एनीबडी आउटसाइड, सो यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड. बाहर पब्लिक की ओपिनियंस क्या है, हमें कुछ बिट देखने को मिले और उसने हमें हिला के रख दिया. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट तमाशा हाउस. बट जो चीज़ें अच्छी हैं वो ज़्यादा बड़ी. It was my dream come true because I wanted to work with him. He's such a legend and he's such an amazing person. बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके. रोज़ाना की नसीहतें जो उन्होंने दी और जो उन्होंने बिटवीन द लाइन्स बात की वो भी हमने उनसे सीखी. डिसिप्लिन सीखा मैंने उनसे, फैशन सीखा. ही कैरीज हिमसेल्फ सो वेल. फिटनेस सीखी मेरे ख्याल से, इसीलिए उन्होंने मेरा वेट भी कम करा दिया. बट और अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो मुझे सूट गिफ्ट किया वो मुझे आ भी गया, तो अब मुझे पता है कि अगली दफ़ा सूट कहाँ से लेंगे. यहाँ पे बड़े अच्छे कनेक्शंस बने ऑनेस्टली, लेकिन जुनेद को मैंने हमेशा, किसी को मैंने भाई नहीं बोला, सिर्फ जुनेद को बोला. सो जुनेद इज जस्ट लाइक माय ब्रदर. वाइट ऑनेस्टली किसी को भी नहीं करेंगे, सब ही अपना गेम खेल रहे थे. ऐसा कोई भी नहीं है, हमने कभी भी इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया कि इससे मैं कभी जिंदगी में नहीं मिलूंगा. हो जाती है कहीं उसमें छोटी मोटी अपसेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं जिसको मैं इग्नोर करूँगा. सपोर्ट सिस्टम था, एक ये मेरी रिंग जो मेरी वाइफ ने मुझे दी थी, एक ब्रेसलेट मैंने उसको और पहना था ग्रीन जो मेरी बहन का था, ब्रेसलेट था भी नहीं. लेकिन ये कि इन चीज़ों ने मुझे बहुत सपोर्ट की. मेरी बेटी का बिल मुझे मिला था बीच में, दैट केप्ट मी गोइंग फॉर द होल शो आई वुड से. जब पहले हफ्ते में एडी से थोड़ी मेरी लड़ाई हुई थी तो वहाँ ऐसा लगा था जैसे उससे बात खराब हो जाएगी, लेकिन एक ही दिन बाद रिकनसील कर लिया और मुझे ऐसा लगता कोई भी नहीं था जो मेरे लिए अनबेयरेबल बना सकता. मैं अपने गेम में जो मैंने सेकंड वीक के बाद न्यूट्रल होना छोड़ दिया और मैं एक टीम का हिस्सा बन गया, मैं न्यूट्रल ही रहूंगा थ्रू आउट. Hey, hey,